हरे कृष्णा। आज की छोटी सी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक खेत में सारस पक्षी ने अपने कुछ अंडे दिए हुए थे। कुछ समय बीता तो अंडे में से बच्चे निकल आए, लेकिन अब फसल धीरे धीरे पककर तैयार होने वाला था और सारस पक्षी के जो बच्चे थे उनके पंख अभी छोटे थे तो वो उड़ नहीं सकते थे। अब फसल अगर काटने किसान आ पहुँचता है तो उनके जान को खतरा भी हो सकता है, यह सोचकर वो सारस के बच्चे और सारस दोनों परेशान थे। और एक दिन किसान आ ही गया अपने खेत के पास और उसने अपने खेत के फसल को देखते हुए कहा कि कल मैं अपने गांव वालों को लेकर आऊँगा और पूरी खेत को कटवा दूँगा। यह बात सुनकर सारस और उसके बच्चे बहुत दुविधा में पड़ गए। उसे लगने लगा कि अगर सच में किसान खेत को कटवा देता है तो हम भी पकड़े जाएंगे और फिर हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। लेकिन सारस पक्षी जो बच्चों की माँ थी वो एकदम निश्चिंत थी और वो बच्चों को संतावना देते हुए कहती है कि कल खेत बिल्कुल नहीं कटने वाला है। और कल फिर से किसान खाली हाथ आया, किसी के साथ नहीं अकेले आया, और फिर उसने यही उत्तर दिया कि मेरे गांव वाले भी ना कभी मेरा भला नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मेरा फसल कट कर रेडी हो जाए और मेरे खेत से मेरे खलिहान में पहुंच जाए। कोई बात नहीं, कल मैं अपने भाइयों को लेकर आऊँगा और इस पूरी फसल को काट कर अवश्य जाऊँगा। इस बार फिर से सारस पक्षी के बच्चे चिंतित हो गए और माँ से बोलने लगे कि माँ आपने सुना ये किसान क्या कह रहा है? तो सारस ने पक्षी ने फिर से संतावना देते हुए कहा कि बच्चे समस्या की बात नहीं है, कल भी ये खेत नहीं कटने वाला है और कल भी खेत सच में नहीं कटा। तो किसान फिर से क्रोध जताते हुए कहता है कि मेरे भाई भी कम नहीं है, वे भी नहीं चाहते हैं कि मेरा फसल बर्बाद होने से बच जाए, तो कल मैं स्वयं आऊँगा और इस खेत को काट कर जाऊँगा। तो सारस पक्षी के बच्चे फिर से मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि ये किसान तो बार बार यही कहता है, कुछ दिनों से ऐसा ही कह रहा है और इससे कुछ होने वाला नहीं है, कल भी ये खेत को नहीं काटेगा। तब उसकी माँ इस पर परेशानी जताते हुए कहती है कि नहीं बच्चों, कल सच में खेत कट जाएगा। और अब बच्चे के पंख थोड़े थोड़े तो निकल आए थे, इतना निकल आ चुके थे कि वो उड़ सकते थे। और रात को उन्होंने यह प्लान बनाया कि उन्हें उड़कर रात को ही निकल जाना है। फिर पास में एक पेड़ था तो सारस पक्षी अपने बच्चों के साथ उड़कर बगल के पास के पेड़ पर जाकर बैठ गए। उन्हें यह पता करना था कि सच में खेत कटता है या नहीं। तो अगले दिन साथ में किसान अपने साथ जो भी खेत को काटने के लिए चाहिए सारे सामग्री के साथ आया था और आज सच में वो जुट गया और खेत की कटाई शुरू कर दिया। यह बात सुनकर सारस पक्षी के बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, जब उसने बोला कि अपने गांव वालों को बुला कर लाऊंगा तो भी आपने कहा कि खेत नहीं कटेगा, जब उसने कहा कि वो अपने भाइयों को बुला कर लाएगा तो भी आपने कहा कि खेत नहीं कटेगा, और जब उसने कहा कि मैं स्वयं आकर काटूंगा तो आपने कहा कि खेत कट जाएगा, ये कैसे संभव है? आपने ये कैसे अनुमान लगा लिया? तो सारस पक्षी ने बड़े मुस्कुराते हुए ये उत्तर दिया कि जब भी हम किसी दूसरे के भरोसे रहते हैं, अपने भाइयों के, अपने पड़ोसियों के, अपने गांव वालों के, अपने शहर वालों के, या दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो हमारा काम नहीं होता। लेकिन अगर हम स्वयं पर निर्भर होना सीख जाएं, अगर हम स्वयं पे खुद से हम ये कार्य करना चाहते हैं ऐसा अपने मन में ठान ले तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। भले थोड़ा मेहनत लगेगा, समय लगेगा, पर आपका काम जरूर सफल होगा। इसलिए हमें भरोसा और खुद पर, खुद से अपना काम ही करना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। तो ये कहानी का शिक्षा इससे हमें यही मिलता है। धन्यवाद।